चंद्रमा है तुला में, चंद्रमा है तुला में, सूर्य है, चंद्रमा है साथ में, सूर्य गुरु है ईग में। बेटर देन बेस्ट। इसमें नेगेटिव क्या है? बुध वक्री है, मरकरी के आगे लिखा है आर, मरकरी पाइसिस 21 डिग्री। बुध वक्री है, बुध वक्री है 26 तारीख को, बुध जो वक्री चलेगा बुध वक्री है 25 अप्रैल 18:23 तक। तो बुध वक्री है, बुध नीच है, बुध का राहु से संबंध बना हुआ है, राहु भी मीन में है, राहु है खर्चा। तो 25 अप्रैल 18:23 तक सेल टैक्स की चिंता, इनकम टैक्स की चिंता, GST की चिंता, जो भी पेमेंटों की चिंताएं हैं ना, मेरा मानना है इंस्टॉलमेंट की चिंता, इंश्योरेंस की चिंता, जो भी चिंताएं हैं वो 25 अप्रैल 18:23 तक हैं। 10 मई को बुध जो है मेष में चला जाएगा, बेटर देन बेस्ट। 31 मई से 14 जून तक बुध गुरु वृष में रहेंगे, बेटर देन बेस्ट। 14 जून से 29 जून बुध मिथुन में है, बेटर देन बेस्ट। 29 जून से 19 जुलाई तक बुध कर्क में है, बेटर देन बेस्ट। कुल मिला के 25 अप्रैल 2024 के बाद उम्मीद करो 20 साल लगातार सही है या 17 साल लगातार सही है। और इसमें जो शुक्र है, शुक्र मेष में जा रहा है 24 अप्रैल 23:58, अभी टाइम है 24 अप्रैल 17:00 समझ लो 39 मिनट। तो यानी कि अब से 4-5 घंटे बाद शुक्र मेष में चला जाएगा। 24 अप्रैल से 19 मई जो शुक्र मेष में है, ये सहयोग दिलवाता है, कोऑपरेशन, सहयोग, सब A to Z, सबसे सहयोग, पार्टनर से सहयोग, इम्पोर्टर से सहयोग, एक्सपोर्टर से सहयोग, बैंकर से सहयोग, सप्लायर से सहयोग, बायर से सहयोग। इस धरती के लोग जो सहयोग करेंगे ना 18 साल बाद, 8/8/2008 के बाद, इस धरती के लोग जो आपस में सहयोग करेंगे 24 अप्रैल 2024 से 19 मई 2058 में, इस धरती के लोग आपस में सहयोग करेंगे, और जो परिवार के लोग सहयोग करेंगे वो 19 मई से 12 जून, क्योंकि 1 मई को गुरु आ जाएगा वृष में, गुरु और शुक्र वृष में है 19 मई से 12 जून। इस धरती के लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा बैंक बैलेंस होगा, इस धरती के 800 करोड़ लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए 19 मई से 12 जून में होना चाहिए। मिथुन का गुरु भी, शुक्र भी बढ़िया है 12 जून से 7 जुलाई, कर्क का शुक्र भी बढ़िया है 7 जुलाई से 31 जुलाई, सिंह का शुक्र जो है लव मैरिज कराता है 31 जुलाई से 25 अगस्त, और शुक्र तुला में 18 सितंबर से 13 अक्टूबर शादियों के लिए ठीक है, 7 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 भी शादियों के लिए ठीक है, शुक्र धनु में है। कुल मिला के 24 अप्रैल के बाद इस धरती के लोगों के 20 साल अच्छे जाएंगे। इंपोर्टर का सहयोग है, एक्सपोर्टर का सहयोग है, सप्लायर का सहयोग है, बायर का सहयोग है, पार्टनर का सहयोग है, परिवार का भी सहयोग है। इसमें है वृष को केतु देख रहा है, कन्या को गुरु देख रहा है, गुरु को केतु देख रहा है, केतु को गुरु देख रहा है। तो कन्या को जो गुरु देखेगा, केतु जो बैठा है, तो मामला जो है कंट्रोल में आ जाएगा। कुल मिला के 24 अप्रैल के बाद इस धरती के लोगों के 20 साल अच्छे जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अभी जो है
चंद्रमा तुला में है, चंद्र गुरु सूर्य का तुला में संबंध है, बेटर देन बेस्ट, 24 बेटर देन बेस्ट, 25 बेटर देन बेस्ट, सिर्फ एक ही है जो बुध वक्री है, शुक्र आज रात को मेष में आ ही जाएगा, तो टेक्निकली 25 तारीख बेटर देन बेस्ट। गुरु के घर में राहु बैठा है मीन राशि में, तो खर्चे की चिंता रहेगी, मई 2025 तक जो है मीन का राहु खर्चे की चिंता देगा। 25, 26, 27 को चंद्रमा वृश्चिक में, उसे राहु और शनि देख रहे हैं, 25, 26, 27 भी ठीक रह सकती है। धनु राशि ठीक है, 28 ठीक है, 28 को जो है शुक्र अस्त हो रहा है, 28 अप्रैल से लेके 5 जुलाई तक, तो कुल मिला के 28 अप्रैल ठीक है, 29 अप्रैल ठीक है, 29 अप्रैल सोमवार ठीक है, 30 अप्रैल भी ठीक है, 1 मई भी ठीक है, 2 मई को संबंध बनेगा चंद्र और शनि का, 2:32 पे चंद्र शनि का संबंध है, 2 मई 3 मई 4 मई, 4-5 मई में चंद्र राहु का संबंध बन जाएगा, और 6 मई बेटर देन बेस्ट, 7 मई बेटर देन बेस्ट, 8 मई बेटर देन बेस्ट, 7 मई को चंद्र शुक्र का संबंध है बेटर देन बेस्ट, 8 मई को चंद्र शुक्र का संबंध है बेटर देन बेस्ट, और 8, 9, 10 में चंद्र गुरु का संबंध बनेगा, केतु देख रहा है उसे, चंद्र गुरु का संबंध 8, 9, 10 को है, और चंद्रमा मिथुन में जाएगा 10, 11, 12 को, 10 मई ठीक है, 11 मई ठीक है, 12 मई ठीक है, 13 मई ठीक है, 14 मई ठीक है, 15, 16 में चंद्र शनि का संबंध बन जाएगा, चंद्र केतु का संबंध बनेगा 17 को, 18 मई ठीक है, 19 मई ठीक है, 20 मई ठीक है, 21 मई ठीक है, फिर चंद्र शनि का संबंध बन गया, फिर 25 मई ठीक है, 26 मई ठीक है, 27 मई ठीक है, 28 मई ठीक है, 29, 30 को चंद्र शनि का संबंध है, फिर चंद्र राहु का संबंध है 31 को,